अरे एपीजीपी हो गया ना अपना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फिर तो नया चैप्टर क्या बचा? समुच्चय, वो डिफरेंशिएशन, बस दो ही चैप्टर बचे। मैट्रिक्स तो हट गया। अरे मैट्रिक्स कोर्स में नहीं है। बुक में है पर हटा दिया, दो बार से हटा दिया। पुरानी बुक है। लिखो सेट रिलेशन फंक्शन सातवा समुच्चय संबंध फलन। देखिए समुच्चय में क्या होता है, अवयवों का संग्रह होता है। अवयव मतलब नंबर हो गई, किताब हो गई, पर्सन हो गए, लेटर हो गए, डिजिट हो गई। आप किसी भी चीज का कलेक्शन करके ऐसे ब्रैकेट में डाल दोगे ना, इसे समुच्चय कहते हैं। मैंने 2, 4, 6, 8 डाला, कॉमा से सेपरेट किया। किससे सेपरेट किया? तो इसे बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं? सेट को कैपिटल लेटर से शो करते हैं। ये एन हो गया, ए हो गया, एन ए। एन ए का मतलब अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। इसमें कितने अवयव हैं? 1, 2, 3, 4। तो एन ए बराबर 4, एन ए बराबर। ऐसे ही मैंने कोई समुच्चय लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या? प्राकृतिक संख्या। कितने अवयव हैं? इसका नाम रखा बी, तो क्या हो गया? एन बी बराबर 6, एन बी बराबर 6। इसे बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं? तो किसी भी अवयव में जितने, किसी भी समुच्चय में जितने अवयव होते हैं उसे कार्डिनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर कोई समुच्चय बिल्कुल ही खाली है तो इसे बोलेंगे रिक्त समुच्चय। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे परिमित। क्या बोलेंगे? ये भी परिमित, ये भी परिमित। पर मान लो प्राकृतिक संख्या, कौन सी संख्या? 1, 2, 3, 4 कब तक होती है? अनंत तक। तो इसे बोलेंगे अपरिमित। क्या बोलेंगे? जिसमें काउंटेबल हो उसे परिमित, जिसमें अनकाउंटेबल हो उसे अपरिमित। समझ गए क्या? अगर किसी समुच्चय में एक ही अवयव है, बस एक ही अवयव, उसे बोलेंगे एकाकी। क्या बोलेंगे? एकाकी समुच्चय में एक ही अवयव होता है, एकाकी समुच्चय में। और जो बिल्कुल खाली होता है उसे रिक्त समुच्चय, उसे बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? फाई यानी phi, ph, फाई का निशान ये होता है। इसके ऊपर ब्रैकेट नहीं लगता, इसके ऊपर ब्रैकेट नहीं लगता। अगर फाई के ऊपर ब्रैकेट लग जाए तो वो एकाकी बन जाता है। क्या बन जाता है? अगर मैंने समुच्चय को ऐसे लिखा x सच दैट, ये जो दो बिंदु लगाए इसको बोलते हैं सच दैट। क्या? एक्स एक वॉवेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर। एक्स एक स्वर है, एक्स एक स्वर है। बोलो एक्स एक स्वर। अब स्वर कौन कौन होते हैं? ए ई आई ओ यू, ऐसे होते हैं ना। तो बच्चों इसको तो बोलते हैं रोस्टर रूप। बोलो कौन सा रूप? और इसको बोलते हैं समुच्चय बिल्डर रूप। क्या बोलते हैं? समुच्चय बिल्डर रूप। समुच्चय,
ये ए है तो ये भी ए है, दोनों बराबर है। इसमें अवयव लिखे हुए हैं, उसमें भाषा लिखी हुई है। अगर स्टेटमेंट में लिखते हैं तो समुच्चय बिल्डर रूप, और अवयवों में लिखते हैं तो रोस्टर रूप। कौन सा रूप? जैसे मैंने ए लिखा x such that x बराबर 2n, n एक से बड़ा पांच से छोटा, n का मान किससे बड़ा है किससे छोटा है, x बराबर कितना है 2n, x बराबर, तो n का मान क्या लगा सकते हैं, दो, एक से तो बड़ा है ना, दो दूनी तीन, दूनी चार, दूनी पांच लगा सकते हैं क्या, क्यों, पांच से छोटा है, तो कौन कौन मिला, दो तीन, तो ये ऐसे बंद कर दिया, तो इसका नाम भी ए होगा, इसका नाम होगा रोस्टर रूप। क्या नाम होगा? और ऊपर वाले का क्या होगा? समुच्चय बिल्डर रूप। समुच्चय बिल्डर रूप में सांकेतिक भाषा आती है, भाषा के रूप में लिखा होता है और इसमें अवयवों के रूप में लिखा होता है। समझ गए क्या? अच्छा जी, तो लिखो अवयवों के संग्रह को, अवयवों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अवयवों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को कैपिटल लेटर द्वारा व्यक्त किया जाता है। अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अगर कोई अवयव दो बार है तो उसे एक बार लिखेंगे, कोई अवयव दो बार है तो उसे कितनी बार लिखेंगे, एक बार। जैसे दो दो, तो दो एक ही बार लिखेंगे। अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अवयवों को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। अवयवों को कर्ली ब्रेसेस, जो ऐसा साइन होता है, में लिखा जाता है। कर्ली ब्रेसेस जैसे 10 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय, 10 से छोटी सम संख्या, 10 से छोटी सम संख्या कौन होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 10 भी लेंगे क्या, 10 से छोटी बोला है, 10 से, तो ए में कौन कौन आ गया, 2, 4, 6, 8, स्वरों का समुच्चय, स्वर को बोलते हैं वोवेल, क्या बोलते हैं, तो वी से डिनोट करते हैं, स्वर लिख देते हैं, ए ई आई ओ यू, कॉमा से सेपरेट कर दिया, कॉमा से, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, कैपिटल एन से लिखते हैं, कौन कौन आता है, 1, 2, 3, 4, कब तक जाता है, अनंत तक। वास्तविक संख्या का समुच्चय, वास्तविक में पॉजिटिव भी आती है, नेगेटिव भी आती है, अपॉन वाली भी आती है, पॉइंट वाली भी आती है, सारी संख्या आती है, रूट वाली भी आती है। वास्तविक संख्या को आर से लिखते हैं, माइनस अनंत, -5, -4, 0, 1, 1/2, 3/4, 7, 10, अनंत, √2, √4 सब आ गई। इसे बोलते हैं वास्तविक संख्या का समुच्चय। कौन सी संख्या का? तो वास्तविक संख्या बड़ी हुई या प्राकृतिक संख्या का समुच्चय बड़ा हुआ?
वास्तविक संख्या का समुच्चय बड़ा हुआ और प्राकृतिक संख्या का समुच्चय छोटा हुआ। जो छोटा होता है उसे सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसेट को हिंदी में उप समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बताओ एन आर का उप समुच्चय है या आर एन का उप समुच्चय? एन आर का, क्योंकि एन किससे बना है? आर से ही तो बना है एन। पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक मतलब पूरे पूरे अंक। पूर्णांकों के समुच्चय को जेड या आई से दिखाते हैं। माइनस अनंत, माइनस चार, माइनस तीन, जीरो, एक, दो, तीन, अनंत पूर्णांक। पॉइंट वाले नहीं आएंगे, अपॉन वाले नहीं आएंगे। तो पूर्णांक बड़े होते हैं या प्राकृतिक संख्या? पूर्णांक। पूर्णांकों में प्राकृतिक संख्या अपने आप आ गई। अरे आ गई क्या? तो उप समुच्चय का साइन होता है ऐसा सी, ये सी बनाया ना मैंने, ये किसका साइन होता है? उप समुच्चय का। किसका? उप समुच्चय। तो बताओ एन किसका उप समुच्चय है? आर का। बोलो एन किसका उप समुच्चय है? एन किसका उप समुच्चय है? जेड का। जेड किसका उप समुच्चय है? आर का। जेड किसका है? नोट डाउन। समुच्चय को दो रूपों में व्यक्त किया जाता है। समुच्चय को दो रूपों में व्यक्त किया जाता है। पहला कहलाता है रोस्टर रूप। बोलो कौन सा रूप? दूसरा कहलाता है समुच्चय बिल्डर रूप। अगर हमने बोला रोस्टर रूप का एग्जांपल, तो मैंने ए में दे दिया तीन, पांच, सात, नौ, ग्यारह, तो ये रोस्टर रूप है। कैसा रूप है? दूसरा मैंने लिया समुच्चय बिल्डर रूप। समुच्चय इसमें होता है जैसे ए बराबर एक्स, बोलो एक्स सच दैट, सच दैट ये जो दो डॉट या एक लाइन खींची जाती है ये सच दैट के लिए होती है। सच दैट का मतलब इस प्रकार, एक्स इस प्रकार है, एक्स कि एक्स एक स्वर है, एक्स एक स्वर है। तो इसे बोलेंगे समुच्चय बिल्डर। क्या बोलेंगे? इसका रोस्टर रूप नीचे लिख दो, ए ई आई ओ यू। तो ये दोनों सेट बराबर हैं, दोनों सेट
सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो रोस्टर रूप है और एक एक और एग्जांपल देते हैं, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स बराबर 5n, एक्स बराबर 5n, n का मान एक से बड़ा 5 से छोटा, n का मान किससे बड़ा, तो अब इसका रोस्टर रूप आएगा, n का मान कितना लगाओगे, एक कैसे लगाएंगे, एक से तो बड़ा है, एन का मान दो, दो यहाँ पे लगाए, दो इंटू पांच, तीन इंटू पांच, चार इंटू पांच, पांच इंटू पांच, पांच लगा सकते हैं क्या, तो यही तो आएगा, अरे बोलो, तो इसमें एन ए बराबर कितना है, पांच, इसमें एन ए बराबर कितना है, तीन, एन ए को क्या बोलते हैं, अवयवों की संख्या, बोलो, अवयवों की संख्या का दूसरा नाम होता है कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। तो बताओ जो रोस्टर रूप पहला एग्जांपल है उसमें कार्डिनल नंबर कितना है, इसमें भी एन ए बराबर कितना है, और नीचे वाले में एन ए बराबर कितना है, नोट डाउन। Such that हो गया क्या? जैसे मेरे पास ए में पड़ा हुआ है 3, 4, 5, 7, 9,
और मैंने यहां पर बोला पांच फिल इन द ब्लैंक्स ए, तो एक शब्द आता है ऐसे बना के ऐसे, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू, बोलो बिलोंग्स टू को बोलते हैं अवयव है, बोलो तो अवयव है या नहीं है बताना होता है। तो क्या पांच अवयव है क्या ए का? अरे क्या पांच ए में पड़ा हुआ है क्या? तो यहां पर आएगा बिलोंग्स टू, क्या आएगा? नौ अवयव है क्या? नौ भी अवयव है। अब बोलो दस अवयव है क्या? तो ऐसे बिलोंग्स टू को करके काट देते हैं, ऐसे इसे बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू, क्या बोलेंगे? अगर मान लो किसी ने बोला चार पे ब्रैकेट डाला हुआ है और वो बोला अवयव है ए का, चार पे ब्रैकेट है या अकेला चार है, और उसमें अपने समुच्चय में, समुच्चय में तो ब्रैकेट नहीं है, तो ये अवयव नहीं होगा, ये अवयव। अगर ऐसे चार पे ब्रैकेट लगा हुआ है तो वो उपसमुच्चय होगा, क्या होगा? उपसमुच्चय का साइन लगेगा, किसका साइन लगेगा? अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला पांच कौमा सात पे ब्रैकेट, पांच कौमा सात पे, तो पांच सात ए से बना या नहीं बना? ए में पांच सात है या नहीं है? तो जब आप अवयव बाहर निकालते हैं और उसके ऊपर ब्रैकेट लगा देते हैं तो वो उपसमुच्चय बन जाता है, क्या बन जाता है? तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में अवयव डालू या उपसमुच्चय? उपसमुच्चय बनेगा ना पांच सात, तो पांच सात पे ब्रैकेट डाल दिया तो वो तो उपसमुच्चय हुआ, क्या हुआ? चलो ये बताओ पांच सात, पांच सात नौ, लिखाई नहीं जा रहा, पांच सात नौ ब्रैकेट, अब ये अवयव होगा या उपसमुच्चय? उपसमुच्चय होगा एक का, क्या होगा? अच्छा ये बताओ अगर मैंने तीन पे ब्रैकेट लगाया ये उपसमुच्चय होगा या बिलोंग्स टू होगा? और मैंने केवल तीन लगाया बिलोंग्स टू, केवल तीन तो कौन है? बिलोंग्स टू, और अगर तीन पे ब्रैकेट लग गया तो क्या बन गया? उपसमुच्चय। समझ गए क्या? लिख लो बिलोंग्स टू तो अवयव होता है, उसमें अवयव की उसकी जो एंट्री उसमें मौजूद है वैसा ही अवयव होना चाहिए, उपसमुच्चय नहीं है, तीन पे ब्रैकेट लगेगा तो उपसमुच्चय होगा। किसमें? हाँ तो मैंने बिलोंग्स टू को काट दिया ना, काटा हुआ है ना, मैंने काट दिया उसको। समुच्चय के प्रकार,
पहला कहलाता है परिमित समुच्चय। बोलो क्या कहलाता है? जिसमें काउंटेबल होंगे एलिमेंट्स, काउंटेबल एलिमेंट, एलिमेंट्स को बोलते हैं अवयव। एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? काउंटेबल होंगे। तो एग्जांपल दे दिया, ए बराबर ए, ये चल ही नहीं रहा, 1 3 5 परिमित समुच्चय जिसमें होंगे काउंटेबल एलिमेंट्स। क्या होंगे? जैसे मैंने ए में लिखा 1 5 7 9 11, तो कितने अवयव हैं? तो एन ए बराबर कितना हुआ? तो इसे परिमित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दूसरे नंबर पे आता है अपरिमित। जिसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होंगे, अनकाउंटेबल एलिमेंट जैसे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक कहां से शुरू होती है? 1 2 3 कब तक होती है? तो ये हो गया अपरिमित। क्या हो गया? मैंने नीचे समुच्चय बिल्डर लिखा या रोस्टर? क्या लिखा? बोलो। x such that x बराबर 2 की पावर n, n belongs to natural, n belongs to, तो natural कौन कौन होते हैं? 1 2 3। तो अपन n का मान 1 लगाए, n का मान तो 2 की पावर 1, 2 लगाए तो 3 लगाए तो, ऐसे चलते चलते कहां तक आएगा? ये अनंत तक। तो ये परिमित हुआ या अपरिमित? अरे परिमित हुआ या अपरिमित? तो ये जो समुच्चय बिल्डर रूप लिखा हुआ है ये अपरिमित समुच्चय बना। क्या बना? a बराबर x सच दैट x बराबर 2n, x बराबर यहाँ पे पावर नहीं है, n का मान 1 से बड़ा 5 से छोटा, n का मान 1 से बड़ा 1 से बड़ा कौन होगा? 2 3 4, 2 लगाएंगे 2 दूनी 3 दूनी 4 दूनी 5 दूनी 5 नहीं लगा सकते, ये तो खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो ये आंसर क्या हुआ? परिमित। क्या हुआ? तो ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे साइड में, ये परिमित का हो गया, और ये जो नीचे दिया हुआ है ये किसका हो गया? समझ गए क्या? Thank you.
इक्वल्स टू ए कहां पर? तो जो अनंत तक होगी उसी का तो उदाहरण देंगे, प्राकृतिक संख्या का एक से कहां तक होती है? अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या क्या हुआ? अपरिमित समुच्चय हुआ ना। अगर ये खत्म हो जाती तो परिमित होता, पर ये खत्म नहीं होती, इसलिए क्या है ये? अपरिमित। तीसरा होता है रिक्त समुच्चय, रिक्त या खाली समुच्चय। रिक्त या खाली समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। जिसमें कोई भी अवयव ना हो, जिसमें कोई भी अवयव ना हो। तो जैसे ए का नाम दिया, ब्रैकेट लगाया, खाली छोड़ दिया, इसको बोलते हैं फाई। फाई एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका साइन होता है ये। तो जो खाली समुच्चय होता है उसमें कोई अवयव नहीं होता। चौथे नंबर पे आता है एकाकी समुच्चय। जिसमें एक ही अवयव हो, एकाकी समुच्चय में क्या होता है? जिसमें एक ही अवयव हो। जैसे ए में लिख दिया मैंने अकेला चार, बी में लिख दिया मैंने अकेला जीरो, सी में लिख दिया मैंने ब्रैकेट में फाई को बंद कर दिया, ब्रैकेट में, तो फाई एक अवयव हो गया, फाई एक, तो उसे एकाकी बोलेंगे या रिक्त? रिक्त क्यों नहीं बोलेंगे? अगर फाई पे ब्रैकेट नहीं है तो रिक्त, और अगर फाई पे ब्रैकेट लग गया तो एकाकी बोलेंगे। फाई का साइन ऐसा होता है, ये बना के ऐसे क्रॉस। ए बराबर फाई, फाई के अंदर ब्रैकेट। ये पेन नहीं चल रहा, क्या करे? ओके तो अपन ने चार समुच्चय कर लिए, बाकी कल।